हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ यूजीसी नेट के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आपके सामने। दोस्तों, यूजीसी नेट का जैसे कि आपको पता है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। एनबीएस का हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। क्वेश्चन पैटर्न आप देख ही चुके हैं, काफ़ी डीप में स्टडी करनी है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनका जवाब देना है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे चैनल में हमारे साथ बने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो कराया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं, हु एक्सप्रेस नॉलेज इन अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। यानी कि हमें याद रखना है, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन ये किसने दिया था नॉलेज में, तो ये दिया था बीसी ब्रुक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए नियर सिनोनिम टर्म टू इन्फॉर्मेशन। कौन सा इन्फॉर्मेशन का टर्म नहीं है, तो यहाँ आइडिया देखते हैं। आइडिया कोई भी थॉट होता है, यानी कि थॉट अगर आ गया, आइडिया आ गया, तो एक इन्फॉर्मेशन है, डाटा भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रियल फैक्ट है वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें से अलग कौन हुआ, कैटलॉग। नेक्स्ट है CCF। CCF का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। CCF को किसने डेवलप किया था, यूनेस्को ने। इससे को रिलेट भी क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें भी हम इसमें देखेंगे। रिसोर्स शेयरिंग एमंग लाइब्रेरीज वाज प्रॉम्प्ट बाय द फैक्टर्स। अब हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी में क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट है प्राइस एस्केलेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बुक का कि हर स्टडी मटेरियल ख़रीदना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में आपस में रिसोर्स शेयरिंग का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आज प्रत्येक सब्जेक्ट की 50-50 हज़ार बुक्स अवेलेबल हो रही है मार्केट में। हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा बुक ले, किसको छोड़े, किसको ले, और यूजर को क्या चाहिए। इसलिए हम यूजर के लिए सारे बुक्स परचेज करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बजट होता है वो एक लिमिटेड बजट होता है। तो हम क्या करते हैं, आपस में लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग का वर्क करते हैं, इसमें ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ। UK किसका कंपोनेंट है, तो ये इसका आंसर है हमारा CLIP। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। कौन सा एसोसिएशन है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो IFLA के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ALA ये सबसे पुराना ओल्ड लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1876 में कर दी गई थी, और ISLIC की स्थापना 1955 में की गई थी। फिर जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम एक्सेस क्या कहलाता है। तो ये जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं सर्च करने के लिए, तो क्या कहलाता है, रियल टाइम एक्सेस कहलाता है। थ्योरी एक्स एंड वाई ये दिया, किससे रिलेटेड है, तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड 4-5 थ्योरी है जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और एक्स एंड वाई थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया था, ग्रेयर के द्वारा दिया गया था। डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय, किसके द्वारा इसका देख रेख किया जाता है, तो OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका मुख्यालय OEO में है। इंस्टॉक हैज बीन मर्ज विद निस्कॉम। इंस्टॉक और निस्कॉम को मिला करके बना दिया गया था निस्केयर, जो कि इसकी स्थापना 30 जनवरी 2007 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट डिजाइन बाय, ये किया गया था डिज़ाइन टीम बर्नर्स ली के द्वारा। टीम बर्नर्स ली ने फर्स्ट जो वर्ल्ड वाइड वेब था इसको डिज़ाइन किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के बारे में अच्छी से अच्छे जानकारी को दिया जाए। दोस्तों, लाइब्रेरी साय में वीडियो कम उपलब्ध होते हैं। जब मैं पढ़ती थी उस समय लाइब्रेरी साय में वीडियो बिल्कुल नहीं मिलता था, इसलिए मेरा एक छोटा सा ये लाइब्रेरी साइंस के लिए वर्क मैं कर रही हूँ, कि ताकि आपको जो बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, कुछ लोग डिस्टेंस से करते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मैं उन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।